हेलो डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू? मुझे पता है आप लोग थोड़े से निराश और थोड़े से उदास हैं कि आप लोगों को घर पे बैठना पड़ गया है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते कंप्लीट लॉकडाउन है और उसकी वजह से ऐसा हुआ है। और बड़ी जल्दी ये संकट का समय खत्म हो जाएगा। और देखिए, कहते हैं कि किसी की भी बहादुरी का पता तब चलता है जब उसके ऊपर संकट आता है। तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत बहादुर हैं और बड़ी ही बहादुरी के साथ वो इस संकट का सामना भी करेंगे। मैं आपके पास आज आया हूँ कुछ उपाय बताने आपको कि किस तरह से आप इन जो जबरदस्ती की छुट्टियां हैं उनका फायदा आप उठा सकते हैं। तो सबसे जो जरूरी बात आपसे कहनी है वो ये कि आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं इन छुट्टियों में। अपनी मदर के साथ घर के कामों में मदर का हाथ बटाएं, किचन के काम में आप कुकिंग सीख सकते हैं मदर के साथ किचन में। जब मदर काम करते हैं तो आप उनके पास खड़े हो सकते हैं, देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसी तरह से बर्तन वगैरह रखने हैं या और छोटी मोटी चीज़ें, सब्जी काटना है, सैलड काटना है। अगर आप 7-8 साल से ऊपर की एज के हैं और नाइफ को आप हैंडल कर सकते हैं तो आप तो ये छोटे बच्चों को अपने साथ इंक्लूड कर सकती हैं। लाइक जैसे मैंने बोला कुकिंग के लिए, इसके अलावा बच्चों को सिखाएं कपड़े कैसे संभालने हैं, कपड़े कैसे रखने हैं, उनको अपनी अलमीरा में खुद वो अपने कपड़े कैसे सेट कर सकते हैं। अगर गार्डनिंग, घर पे छोटा मोटा गार्डन है तो गार्डनिंग की जा सकती है, किचन गार्डन डेवलप किया जा सकता है। बच्चे टीवी पे न्यूज़ देखें, उससे भी उनकी थोड़ी सी जो सोशल अवेयरनेस है वो बढ़ेगी। और घर पे न्यूज़पेपर आता होगा तो बच्चों को न्यूज़पेपर रीडिंग की भी हैबिट डालें। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिनका छुट्टियों में पेरेंट अपने बच्चों के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके और उनको और बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। आप बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, इंक्लूड करें। तो ये बड़ी जरूरी सोशल स्किल्स हैं, पर्सनल स्किल्स भी हैं, ये सब बच्चों को आनी चाहिए। इसके अलावा प्यारे बच्चों, ये मौका मिला है आपको, आप अपनी रीडिंग स्किल्स को फाइन ट्यून करें, बुक रीडिंग करें। घर पे बहुत सारी बुक्स हमारे रहती हैं, तो कॉमिक बुक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, रोजाना आप इन कहानियों को पढ़ें। और अगर किसी के घर में ऐसी स्टोरी बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो ऑनलाइन ऐसा बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, कॉमिक्स अवेलेबल हो जाते हैं, स्टोरी बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। इवन कमेंट सेक्शन में मैं कुछ अच्छी एजुकेशनल एप्स के लिंक भी डालूंगा, तो पेरेंट उन लिंक के थ्रू उन एजुकेशनल एप्स को इंस्टॉल करके और बच्चों को डे टू डे स्टडीज में हेल्प कर सकते हैं। उनसे बच्चों की कनेक्टिविटी बनी रहेगी। और बच्चों, इसके अलावा आप अपना रूटीन सुबह से शाम तक का लिख के मेंटेन करिए। उसमें सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, उसके बाद अगर थोड़ा गार्डन है, आंगन है, टेरेस है तो आप वहां पे वॉक कर सकते हैं, मैट बिछा के। और योगा करिए आप, प्राणायाम, हर कोई बच्चा प्राणायाम कर सकता है। और एक दो छोटे छोटे आसन, नेट पे उनकी जानकारी मिल सकती है आपको। और इसके अलावा मैं चाहूंगा अब आप लोग अपनी हैंड राइटिंग पे काम करें, एक दो पेज रोज लिखें। क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी छोटे छोटे टॉपिक्स, माय हॉबी, माय पेट, माय फेवरेट हीरो, माय फेवरेट बुक, माय फेवरेट टीचर, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये छोटे बच्चों के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। तो रोजाना एक पेज दो पेज लिखें और एक दो पेज 3-4 पेज तक आप रीडिंग करें, तो उससे आपकी रीडिंग और राइटिंग की भी हैबिट्स इम्प्रूव हो जाएंगी। आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है। तो घर से बाहर तो वैसे ही निकलना बंद है और निकलने की जरूरत भी नहीं है जब तक ये लॉकडाउन चलता है। वायरस का खतरा जब तक बना हुआ है आप लोग घर पे रहें, अपने डाइट का पूरा ख्याल रखें। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट, जैसे कि मैं हमेशा स्कूल में भी आप लोगों को बोलता हूँ, अच्छा ब्रेकफास्ट आप लें, अच्छा लंच करें और उसके बाद हल्का डिनर लेके और आप एक अच्छी कम से कम 8 घंटे की नींद भी अपनी लें। अपने आप को पूरा बिजी रखें। बीच बीच में जब भी पेरेंट्स फ्री होते हैं या बहन भाई फ्री होते हैं तो आप कुछ इंडोर गेम्स हैं, चेस है, कैरम है, लूडो है, तो ऐसी चीज़ें आप खेल सकते हैं। और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बातों को अपने मन में धारण करें। अगर घर पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उनसे उनके टाइम की कहानियाँ सुने, उनसे दूसरी कहानियाँ सुने। इस तरह से बहुत अच्छे तरह से आपका जो टाइम है वो स्पेंड हो जाएगा। और मेक श्योर करें कि इन छुट्टियों में अपने अंदर कोई ना कोई काबिलियत, कोई ना कोई हुनर पैदा